हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। ये है आपका वन शॉट ज्योग्राफी लेसन वन, ह्यूमन ज्योग्राफी का वन शॉट। इसका मतलब कि मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। बहुत ही आसान और इजी सा चैप्टर है, जिसको मैं जिस वे में आपको ले चलूँ, अगर आप उसे ठीक से पढ़िए तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ क्लियर समझ आ जाएगी। ये जो शॉर्ट होगा ये आपके ह्यूमैनिटीज के एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन, ओलंपियाड और एंट्रेंस के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है, अर्थात सीयूटी और अपने ट्वेल्थ के एग्जाम दोनों के लिए ये आपको हेल्पफुल होगा। इसमें हम फैक्ट की चीजें, एनालिटिकल अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और ये सारी चीजों पर फोकस करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, जो हमारा लेसन वन है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसको मैंने पीडीएफ से समझाने की कोशिश करी है, साथ में चलिए और समझने की कोशिश करिए। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में देखो, मैं अगर सरल भाषा में अपनी बातें लेमैन स्टाइल में समझाऊं, ठीक है, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या स्कोप है, आगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते समय हमें आगे किन किन चीजों में जॉब मिल सकती है, एज अ सब्जेक्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मनुष्य की जिंदगी में और हमारे जो है डेली रूटीन में, वर्क कल्चर में आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये तो आगे के सस्टेनेबिलिटी और आगे के स्कोप और उसकी जरूरतों के आधार पर मैंने बताया। ये चैप्टर ये भी बताता है कि पीछे कुछ हजार साल पहले भी ह्यूमन ज्योग्राफी कब आई, कैसे कैसे ये एक एक पहलू तर एक एक लेयर बाय लेयर चेंज होती गई, किस तरह से अपने आप को एडॉप्टेशन देते देते ढली और जो है वो एक समय के दौर से गुजरते हुए कैसे ये ह्यूमन ज्योग्राफी चेंज हो गई। क्या ह्यूमन ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी है, क्या यह एक साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, या फिर ये जो है ज्योग्राफी है या फिजिक्स है, या ये बायो जो है बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी का कोई पार्ट है। तो इस तरह से हम ह्यूमन ज्योग्राफी को फ्रेम किए हुए हैं कि आपको पढ़कर चैप्टर बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, फ्रीली सस्पेंडेड इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन का मतलब होता है ये किसी पर बेस्ड नहीं है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में दो शब्दों से मिलकर बना है, अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो ये फ्रीली इंडिपेंडेंट है। पहला तो ह्यूमन, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपो, और ज्योग्राफी को हम क्या बोलते हैं, भूगोल। तो एंथ्रोपो ज्योग्राफी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एंथ्रोपो या ह्यूमन ज्योग्राफी यही कहला। ज्योग्राफी का टर्म का मतलब होता है एनवायरमेंट, और ह्यूमन का मतलब होता है मैन। अगर हम एनवायरमेंट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, फिजिकल का पार्ट, एनवायरमेंट का पार्ट, अर्थ के सरफेस का पार्ट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं, तो वो ज्योग्राफी हुआ। लेकिन क्लास 11th तक हमने फिजिकल तक टच किया, 12th तक आते आते मनुष्य का अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के साथ जो इन्वॉल्यूशन है, जो इंटरेक्शन है, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम देते हैं, इसी को एंथ्रोपो ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे? तो इसमें हम लोग स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में, इसके फेनोमेनन के बारे में, ओरिजिन ऑफ सोसाइटीज, ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन की ओरिजिन कैसे हुई, उसकी सोसाइटी कैसे बनी, प्लस उसके कल्चर एज वेल एज देयर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स कैसे कैसे बना, उनके बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। ज्योग्राफी क्या है तो बताएंगे, इंटीग्रेटिव है, इंटीग्रेट करती है, नई नई चीजें पैदा करती है। एम्पेरिकल, इसका अपना एक क्षेत्र है, क्षेत्र विस्तार है, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर आपको इसको समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सेक्शन भी कवर अप करती है। तो अगर सरल भाषा में समझे कि ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से मनुष्य का जो भी रिएक्शन है, लेना देना है, जो भी एक्टिविटीज है, जब से मनुष्य पैदा हुआ, खानाबदोश हंटर एंड गैदरर से लेकर धीरे
धीरे धीरे उसने अपना कल्चर एग्रीकल्चर विकसित किया, आगे चलकर उसने साइंसेस विकसित किए, उसने कमर्शियल एक्टिविटीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ साथ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज शुरू करी। जो भी नेचर से उसने लिया या दिया उसी की स्टडी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, अपने सराउंडिंग अपने एनवायरमेंट से जो इंटरेक्शन है उसका, कल्चर सोसाइटी का, मनुष्य आया जब से सोसाइटी में रहा उन्हीं सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। इसको एंथ्रोपो ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अगर हम पूछें ज्योग्राफी को डुअलिज्म इकोटोनॉमिक भी कहा जाता है तो बताएंगे हाँ बिल्कुल, ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन मतलब मैन के बारे में भी स्टडी करते हैं और मैन का रिएक्शन उसके अर्थ के सरफेस या एनवायरमेंट के साथ, रॉ मटेरियल्स मदर नेचर के साथ, डुअल लेवल पे पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक डुअलिज्म है इसमें। इन द सिंपल टर्म्स इट इज डिवाइडेड इंटू टू फील्ड्स, नेमली फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप को बताती भी है, ज्योग्राफी में फिजिकल सेक्शन आ गया और ह्यूमन में ह्यूमन वाला सेक्शन आ गया। तो दोनों की स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, उसी को डुअलिज्म कहते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी डुअलिज्म डिकोटोनॉमी का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूं अगर आप केवल फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें पढ़ते हैं, मतलब माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूस, आइलैंड्स, वॉलकैनोस, अर्थक्वेक्स, यूनिवर्स, ठीक है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, तो ये सारी चीजें किसके रेफरेंस में पढ़ना चाहते हैं आप? मनुष्य का इनसे क्या रिलेशन है, मनुष्य इन पर कैसे रहता है, मनुष्य ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड करके पढ़ना चाहते हो ना, तो इसीलिए इसको अब केवल ज्योग्राफी से ना समझकर ह्यूमन ज्योग्राफी से पढ़ें। हमें कोयला मिला मनुष्य के उपयोग में, हीरा मिला मनुष्य के उपयोग में, हमें एक और प्लैनेट मिला मनुष्य के उपयोग में, हम सन की यूज कर रहे हैं, मनुष्य के यूजफुल होना चाहिए। तो अगर आप ह्यूमन के रेफरेंस में किसी चीज को पढ़ते हो और कोई भी फिजिकल लेवल की चीजें ह्यूमन से ही इंटरैक्ट करेंगी, ह्यूमन के लिए ही यूजफुल या अनयूजफुल होंगी, तो इसीलिए इसको डिकोटोनॉमी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, या फिर आप यूज कर सकते हो डुअलिज्म, क्योंकि इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, नेचर मदर के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमन का उसके साथ कैसा बिहेवियर है वो भी हम जो है उसको पढ़ते हैं। इसीलिए इस दोनों तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाती है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ जाती है। लेकिन क्लास 12 में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के फैक्टर्स कम दिखेंगे, उसके साथ इंटरेक्शन होते हुए आपको ह्यूमन का दिखेगा, लेकिन फिजिकल का सेक्शन आपको काफी कम दिखेगा। चलिए आइए चलते हैं हम आगे। ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर है क्या? तो बताएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ अ ज्योग्राफी विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड्स, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन फेनोमेनन एंड द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कंसर्न्ड विद द कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, अर्बन एंड रूरल फेनोमेनन आदि चीजों से संबंधित होती है। तो एक बहुत ही यूनिक लेवल की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने बताई कि आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ज्योग्राफी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड्स, अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाले एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के साथ ह्यूमन का जो भी नेचर है उसका जो रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप की स्टडी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, मनुष्य का जो प्रकृति के साथ जो फिनोमेनन घटनाएं होती हैं उसको सोशल इकोनॉमिकल के कल्चरल सेक्शंस के जो है वो एस्पेक्ट्स में अगर हम पढ़ते हैं उसी जो है वो रिलेशनशिप को, उसी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, उसी पॉपुलेशन की एक्टिविटीज को, चाहे वो सेटलमेंट हो, चाहे अर्बन या रूरल कहीं भी रह रहा हो, उसकी एक्टिविटीज इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सोशियो इकोनॉमिक हो, किसी भी तरह की एक्टिविटीज को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। एक सिंपल सी भाषा इसे याद कर जाए, ठीक है, ये एक डेफिनेशन थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी, अ नंबर ऑफ द ज्योग्राफर्स, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी। एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन ये होगी जो कि एक परफेक्ट डेफिनेशन कही जाएगी, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन को और भी अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं।
मैंने आपको एक मौका दिया जिसमें आपको तीन अलग अलग ज्योग्राफर का अलग अलग डेफिनेशन मिला। आइए चलिए देखते हैं, अलग अलग ज्योग्राफर ने ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। अगर हम पूछें कि रैट्जल, जिनको ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, इन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी एक लाइन की, वो आखिर डेफिनेशन क्या है तो बताएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक, एक्चुअली इसको सिंथेटिक स्टडी कहा जाएगा। सिस्टमैटिक स्टडी के बजाय आप सिंथेटिक वर्ड यूज करिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सर्फेस, पृथ्वी के सर्फेस पर रहने वाली ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि किसी भी चीज को हम ह्यूमन से ही जोड़ेंगे, दुनिया की कोई भी चीज ह्यूमन के ही कंसर्न से जोड़ेंगे, तो ह्यूमन सोसाइटी का उसके अर्थ के सरफेस पर रहने वाली किसी भी प्राकृतिक, अप्राकृतिक, बायोटिक, अबायोटिक चीजों से जो रिलेशनशिप होती है, उन इस रिलेशनशिप की सिंथेटिक स्टडी को, सिंथेटिक मतलब कनेक्शन, एलएनसी सैंपल जो थे, सॉरी रैट्जल जो थे, इन्हीं को जो इसका ह्यूमन ज्योग्राफी का, सिस्टमैटिक ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने सिस्टमैटिक सिंथेसिस स्टडी, ह्यूमंस और नेचर सरफेस के बीच में एक रिलेशनशिप होगी, वो दोनों को आपस में सिंथेसिस करके रखी है, जोड़ कर रखी है। इन्होंने किस शब्द पर फोकस किया, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए तो बताएंगे इन्होंने सिंथेसिस शब्द पर फोकस किया, और उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सर्फेस के बीच में संबंध को ही ह्यूमन ज्योग्राफी बताया। आगे चलकर एलन सी सैंपल आए, इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस करी अपने डेफिनेशन में, उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। उन्होंने केवल रिलेशनशिप बोला था, इन्होंने बोला कि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, चेंजिंग है। पहले मनुष्य प्रकृति में था ही नहीं, फिर मनुष्य प्रकृति में आया, फिर मनुष्य प्रकृति से डरा, फिर मनुष्य प्रकृति के अंडर में दब गया, उसके बाद मनुष्य ने टेक्नोलॉजी की खोज की, मनुष्य का संबंध प्रकृति से बदला, अब मनुष्य प्रकृति को दबा कर रखता है, और समय बीता तो मनुष्य ने प्रकृति के साथ समझौता कर लिया, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब दोनों एक दूसरे को नहीं दबाते, एक दूसरे से छेड़खानी नहीं करते, इको फ्रेंडली चलते हैं। तो ये जो शुरू से लेकर अंत तक के बीच में रिलेशनशिप प्रकृति से मनुष्य ने जो बनाया, ये चेंजिंग रिलेशनशिप है, ये बदल रहा है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो उन्होंने कहा एलन सी सैंपल ने कि देखो मनुष्य और ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप तो है, बिल्कुल सही कहा है रैजल ने, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा निखार के कहना चाहूंगा, एलन सी सैंपल ने कहा, और कहा कि देखो अनरेस्टिंग मैन है, मनुष्य भी एकदम उसे चैन नहीं है, शिकार कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, योगा कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ठीक है, तरह तरह की चीजें कर रहा है, एकदम अनरेस्ट है, कभी स्थिर नहीं हो सकता मन, मनुष्य स्थिर नहीं है, अस्थिर मनुष्य और अनस्टेबल अर्थ, पृथ्वी भी कभी स्थिर नहीं, पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही, मौसम बदल रहा है, दिन रात हवाएं चल रही, हवाएं बदल रही, तापमान बदल रहा, पशु पक्षी की प्रजातियां बदल रही, अलग अलग चीजें बदल रही, प्लस दिन रात हो रहा रोटेशन के कारण, पृथ्वी भी लगातार कई रूप देखती जा रही, कई सालों से उसके अंदर चेंजेस आ रहे। तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में कभी भी मतलब ऐसा रिलेशनशिप नहीं हो सकता जो स्टेबल हो, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। तो वही चीज पे इन्होंने चेंजिंग पर ज्यादा फोकस किया, डायनामिज्म पर ज्यादा फोकस किया किसने, एलन सी सैंपल ने, और सिंथेटिक पर, सिंथेटिक रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस किया किसने, तो बताएंगे कि ये फोकस किसने किया, तो रैट्जल ने, जिनको मैंने क्या कहा कि आधुनिक ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। मेरी बात सभी को समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पढ़िए, ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग परिभाषाएं हो गई, मैं एक परिभाषा इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जरा समझिएगा, ये देखिए परिभाषाओं की लिस्ट में एक परिभाषा और आती है। हम लोगों ने परिभाषा जो पढ़ी वो ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सर्फेस, रैट्जल ने कहा, इन्होंने सिंथेसिस पर ज्यादा फोकस किया, एलन से सैंपल आए, उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी
इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. चलो इन्होंने भी बहुत सही बात कही, एलन सी सैंपल ने डायनामिज्म पर फोकस किया. आगे आते हैं पॉल विडाल डे ला ब्लाशे, इन्होंने अलग डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन समझना. कॉन्सेप्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ. भैया ये जो इतने साल से फिजिकल प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा, भूकंप आ रहा, ऊपर से उल्का पिंड गिर रहा, पृथ्वी की फॉर्मेशन हो रही, पृथ्वी में गैसेस की फॉर्मेशन हो रही, बारिश हो रही, ठीक है, तूफान आ रहे, साइक्लोन आ रहा, ये सारी पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी पर राज करती थी, गवर्न करती थी, उसी समय मनुष्य पैदा हुआ. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिटेड इट, और फिर उसी में मनुष्य और पशु पक्षी प्रजाति पैदा हुए. तो इन गवर्निंग पावर के साथ मनुष्य का जो एक रिलेशनशिप है, जो बदलता भी रहता है, लेकिन ये रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रकृति मनुष्य को अपने बच्चे जैसे पालती हो या मनुष्य अपनी प्रकृति को माँ जैसा समझता, ठीक है, और थोड़ी बहुत खटपट होती है, अनबन होती है, वो ठीक. तो इसी रिलेशनशिप को उभार कर उन्होंने दिखाया, लेकिन इसमें प्रकृति की पावर को, फिजिकल लॉ को ज्यादा वो पावरफुल दिखाते हुए बाद में ये भी दिखाया कि वो उसको माँ भी समझता है प्रकृति को, और प्रकृति मनुष्य को अपना बच्चा समझती है, और ये दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है. और इसी इंटर रिलेशनशिप पर उन्होंने क्या किया, ज्यादा फोकस किया, पॉल विडाल डे ला ब्लाशे. मेरी बात सबको समझ में आई? ये था हमारा तीन लोगों का डेफिनेशन. अब एक और चीज याद रखिएगा, अगर एनसीईआरटी को ठीक से पढ़े, वैसे तो मैं भी एनसीईआरटी लुक दिखाऊंगा लास्ट में, याद रखिएगा, प्रकृति मनुष्य से रूपांतरित करी गई है, इसको रूपक अलंकार, यमक अलंकार से भी समझिए, अगर आप पर्सोनिफिकेशन से आप मेटाफर जानते हैं तो. याद रखिएगा, वी ऑफन टॉक, देखिएगा समझिएगा, वी ऑफन टॉक ऑफ फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का चेहरा नीला है, पृथ्वी का स्वरूप नीला है. आईज ऑफ द स्टॉर्म, फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का फेस है, अर्थ नॉन लिविंग है, फेस लिविंग थिंग, आईज लिविंग थिंग है, ठीक है, स्टॉर्म क्या है, नॉन लिविंग थिंग, स्टॉर्म की आंख, पृथ्वी का चेहरा, माउथ ऑफ रिवर, रिवर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मैंने इसको माउथ से कंपेयर किया, ठीक है, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की नाक, नेक ऑफ द स्थमस एंड द प्रोफाइल ऑफ द सॉयल, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है बट उनकी सारी क्वालिटीज लिविंग के जैसे दिखाया गया यहां पर. तो अब समझो, हिमालय का ग्लेशियर एकदम ऊपर ऐसे उठा है जैसे हमारी नाक उठी हुई, जब नदी कहीं पर गिरती है तो मुहाने से ऐसा लगता है पानी गिरा, तो नदी के मुंह को मुंह से तुलना की गई. साइक्लोन जब घूमता है तो बीच में केंद्र में एक गोल सा छेद बनता है, कई किलोमीटर का होता है वो शांत पेटिका होती है, उसको हम आइस कहते हैं. पृथ्वी का चेहरा नीले रंग का एक आकार, एक गोल फेस ऐसा दिखता है हमारे फेस जैसा. तो इसने दिखाया कि भले ही हम प्राकृतिक चीजों की, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना तो मनुष्य से ही करी जा रही, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है ना, तो वही चीज यहां पर शो कर. इसी तरह से रीजन विलेज टाउन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ऑर्गेनिज्म, जैसे किसी भी शहर के, शहर गांव कस्बे टाउन सिटी, ये सब उसके क्या है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके अंग है. जर्मन ज्योग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. नेटवर्क रोड, जैसे मानकर चलो कोई कंट्री या स्टेट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसके रोड्स, उनकी रेलवेज, उनकी वाटरवेज, ये सब उसके क्या है, आर्टरीज हैं, वो नसें हैं, पूरी एक उनकी शरीर है, सिटी या कंट्री या स्टेट, और उसके अंदर चलने वाली रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब चीजें उसकी नसें हैं, आर्टरीज है. कैन यू कलेक्ट सम टर्म्स एंड एक्सप्रेसेस ऑफ योर ओन, पढ़ना तो इसको दिखेगा, बट मैंने ये जो चीज बताई इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, और ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, मैच द फॉलोइंग से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. मेरी बात सभी को समझ में आई? ये हुआ एक एनसीईआरटी लुक. आइए हम लोग वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पर, बीच बीच में मैं आपको एनसीईआरटी लुक और इंपॉर्टेंट चीजें टच करता रहूंगा, ठीक है. आइए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन हमारी तीनों लोगों की क्लियर हो गई, हम लोगों ने नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अब शुरू करना, ठीक है. तो चलिए हमारा पीडीएफ क्या कहता है, पीडीएफ कहता है कि अगला टॉपिक है हमारा डेफिनेशंस के बाद, और उसका फेशियल फेस मतलब फिजिकल अपीयरेंस हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल अपीयरेंस
ह्यूमन से किया, इसीलिए इसको डुअलिज्म कहा गया कि फिजिकल चीजों को ह्यूमन के साथ कनेक्ट करना, इसीलिए डुअलिज्म का पार्ट था, इसी को डिकोटोनॉमी कहा गया है। आओ बताना, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी का आखिर क्या नेचर है? मैं कहूंगा कि एक सेकेंड इसको देखो, देख कर समझो, फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा। चलो, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। भैया नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? तो मनुष्य का फिजिकल चीजों के साथ जो लेना देना इंटरेक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अब मनुष्य ने जो बनाया वो समाज बनाया, कल्चर बनाया, ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करी, और उन्हीं के साथ जो म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो नेचर इसका कैसा है? तो इसका सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिकल, सोशियो पॉलिटिकल एक इंटर रिलेशन है बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसीलिए याद रखिएगा, एलिमेंट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी आर, अगर हम पूछेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो बताएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड्स है, वाटर्स है, आइलैंड्स है, डेजर्ट्स है, ठीक है, या फिर प्लेन्स है, या आप कह लो कि आइसलैंड है, या ऐसी बहुत सारी सॉइल है, क्लाइमेट भी उसी में आ जाएगा, बायोटिक, बायोटिक एलिमेंट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, फ्लोरा और फाउना मतलब क्या, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। तो अगर हम पूछें कि फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, फिर अगर फिजिकल दो पार्ट होते हैं, डुअलिज्म है, फिजिकल में ये सारी चीजें आ रही, तो ह्यूमन में कौन सा आएगा? तो बताएंगे कि सोशल है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है, कोई एक्टिविटीज है, कोई रिलेशनशिप है, किसी तरह से कनेक्टेड है आदमी इन सारी फिजिकल चीजों से, अपने उनका एक्सेस करने के लिए, उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनमें किसी भी तरह की चीजों को उनको एक्सेस करने के लिए जो कनेक्टेड है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में देखा गया तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर बहुत क्लियर है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, दिस इज नोन एज नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। आइए इसकी फील्ड्स की बात करें, द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड, तो इसकी 5 से 6 फील्ड्स हैं, उसकी सब फील्ड्स हैं, और उसके फिर सिस्टर डिसिप्लिन्स जो कि एग्जाम में आना है, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अगर हम पूछे इसकी फील्ड क्या है, तो फील्ड सब फील्ड के साथ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर भी है, विच डेवलप्स क्लोज लिंकेज विथ अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेस। तो बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी जो है वो फील्ड्स हैं, सोशल ज्योग्राफी, समाज के बारे में कई सेक्शंस एंड कई सब्जेक्ट्स उसके सब फील्ड हो सकते हैं, और इसके सिस्टर डिसिप्लिन भी हो सकती है, अर्बन में शहरों के बारे में, पॉपुलेशन डेमोग्राफी के बारे में, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस के बारे में, सेटलमेंट अर्बन एंड रूरल, इकोनॉमिक्स के अलग सेक्टर्स है। तो इसके यही 6 फील्ड्स हैं जिनकी डिटेलिंग हमें करनी है। आइए चलिए देखते हैं इनकी 6 फील्ड्स कौन सी, ऑन द स्पॉट अभी तुरंत याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, फील्ड्स सब फील्ड्स और उसका सिस्टर डिसिप्लिनरी इन सोशल साइंसेस, ये एज अ सब्जेक्ट याद रखना कि जो आपको आगे काफी काम आएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, आप आगे क्या बने, किस फील्ड को लेकर पढ़ें, किस चीज़ में मास्टर बने, कौन सी चीज़ से पीएचडी करें, पीएचडी के टॉपिक्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें भी यहीं पर पता चल गई। मतलब अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड, कि हम आखिर इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका स्कोप है, उसके सब फील्ड्स, इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या जॉब पा सकते हैं, या आगे ये किस तरह से मनुष्य के लिए जरूरी है, और उसकी सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज, अगर आप सोशल साइंस लेकर एमए बीए करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कभी लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री का क्या यूज है, ज्योग्राफी का क्या यूज है, तो ये वही बता रहा है कि पूरा चार्ट से समझाते हैं आपको क्या यूज है। चलिए समझिएगा, याद रखिएगा, सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स में आता है बिहेवियर, सामाजिक है, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलबींग समाज कल्याण, ज्योग्राफी ऑफ लेजर आनंद आराम समाज से संबंधित है, कल्चर समाज से संबंधित है, जेंडर समाज से संबंधित है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में सामाजिक एक्टिविटीज होती हैं,
मेडिकल वाला सेक्शन जिसको दवा वाला सेक्शन कहते हैं, ये भी सामाजिक, ठीक है मेरी बात समझिएगा, कि सामाजिक में कभी पूछ सकता है कि मेडिकल किस वाली फील्ड में आता है, तो बताएंगे ये सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। अर्बन में किसी भी तरह की सब फील्ड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पढ़कर ही पता चल रहा है, इलेक्शन पॉलिटिकल का पार्ट है, और मिलिट्री के अंडर किसके अंडर में होती है, राष्ट्रपति, जो कि पॉलिटिकल का पार्ट, तो पढ़कर ही हमें पता चल गया कि ये इसका पॉलिटिकल सेक्शन है। पॉपुलेशन छोड़ दो, सेटलमेंट का सब फील्ड नहीं है, इकोनॉमी का 6-7 सब फील्ड है, समझो। इकोनॉमिक मतलब पैसा, तो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बेचकर ही पैसा आता है, सही है। एग्रीकल्चर करने से पैसा आता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बनाने से पैसा आता है, ठीक है। मार्केटिंग करने से पैसा आता है, ठीक है। टूरिज्म से पैसा आता है, और इंटरनेशनल ट्रेड से पैसा आता है, तो ये सारी चीजें पैसे से संबंधित है, तो इकोनॉमिक रिसोर्स की सब फील्ड हो गई, मेरी बात समझे। तो यही मैच द फॉलोइंग या पूछता है कि भैया अगर हम पूछ रहे हैं टूरिज्म किस में आता है, सोशल ज्योग्राफी में आता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है कि अर्बन पॉलिटिकल किस में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा। आइए अब हम देखें, सोशल ज्योग्राफी में है तो सोशल साइंस या सोशियोलॉजी, यही आगे चलकर हम सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन के रूप में पढ़ेंगे। अगर पूछे बिहेवियर क्या है, तो मनुष्य का व्यवहार ही उसका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आता है, ठीक है। अगर पूछे सोशल वेलबींग, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आ जाता है। अगर पूछे लेजर किस में आता है, सोशियोलॉजी का पार्ट है। अगर पूछे कल्चर की सिस्टर डिसिप्लिन बताइए, तो बताएंगे एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम पूछे कि जेंडर किस में आ जाता है, तो सोशियोलॉजी में भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी आता है, और वुमेन स्टडीज में भी जो है जेंडर आ जाता है। वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल एक्टिविटीज का सिस्टर डिसिप्लिन एज ए सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एपिडेमिक महामारी से एपिडेमियोलॉजी बना हुआ है। मैच द फॉलोइंग एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ध्यान से याद कर लो। इलेक्टोरल याद रखिएगा, सेफोलॉजी कहा जाता है। अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल साइंस। अगर खास तौर पर इलेक्टोरल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो इलेक्शन में उन सब चीजों को आपने देखा होगा, वोट पढ़ने के बाद से लेकर टीवी पर दिन भर दिखाता है कि कौन जीतेगा, किसकी आशंका ज्यादा है जीतने की, कौन हार सकता है, किसको कितने वोट्स मिले, काउंटिंग से पहले पता चल जाता है। तो उस स्टडी को सेफोलॉजी कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या मिलिट्री है तो मिलिट्री साइंस के बारे में डिटेल पढ़िए, आपका अलग स्कोप हो जाएगा, आप उसमें अपना लाइफ बना सकते हैं। आप चाहें तो साइकोलॉजी पढ़कर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ सकते, आप चाहें तो ग्रुप समूह के बारे में जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मनुष्य बायोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो वुमेन स्टडीज करके अलग जो है वो केस स्टडी करके आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, महामारी आजकल एक सब्जेक्ट के रूप में आ रही, लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन में अपने इंटरेस्ट है तो इलेक्शनोलॉजी या एसेफोलॉजी लेकर पढ़ो, मिलिट्री साइंस लेकर पढ़ो, आपको आर्मी में जो है जॉब मिल सकती है बहुत अच्छे बड़े लेवल पर। तो वही बता रहा है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो डेमोग्राफी हो जाता, डेमोग्राफी पॉपुलेशन का पार्ट होता, ठीक है। नाम से ही लग रहा है, डेमोग्राफी मतलब क्या, जिसमें मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन की बात होती है उसको डेमोग्राफी या पॉपुलेशन का पार्ट। सेटलमेंट दो ही होता है, अर्बन या रूरल। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आता है, रिसोर्सेज में रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री, मार्केटिंग में बिजनेस, टूरिज्म में टूरिज्म, इंटरनेशनल में इंटरनेशनल, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं। हाँ बस याद रखना इकोनॉमिक्स और कॉमर्स किस में आ जाता है, तो मार्केटिंग का पार्ट है, तो इजी है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा सेक्शन रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस तरह से ये हमारा फील्ड्स ऑफ जो है वो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट, तो चलिए शुरू किया जाए। Various school of thoughts, एक झलक इसको देख लीजिए। तो हम वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, याद रखिएगा
वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी का पड़ता है। वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स ये पॉजिटिव सेंस को दिखाता है, रेडिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच है, और बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, ये प्रैक्टिकल लेवल पर बिहेवियर लेवल पर चलता है। इसको याद रखिएगा कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ये इन सारी चीजों पर कंसर्न होता है। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, ये सोशल वेलबींग के बारे में होता है, समाज कल्याण के बारे में होता है। इसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन, और यही 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूछेगा कि हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स का पार्ट है, तो बताएंगे कि वेलफेयर या ही ह्यूमनिस्टिक ही इसको कहा जाता है या वेलफेयर भी कहा जाता है। ये मनुष्य के पूरे ओवरऑल मनुष्य जाति उसकी सोसाइटी के समाज का कल्चर का रिलीजन के साथ एक स्पेसिफिक एरा ओवरऑल मनुष्य के विकास के बारे में डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। और ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, हाउसिंग मनुष्य को विकसित होने या ह्यूमन ज्योग्राफी में डिटेल आने के लिए, वेलफेयर के लिए घर होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो वो बढ़िया समाज माना जाएगा। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाले थोड़े से अलग हैं, ये पूंजीवादियों के खिलाफ जाते हैं, कहते हैं कि आज का जमाना जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अंग्रेज आए, तो कुछ लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर के पास पैसा है, गरीब के पास पैसा नहीं है, और अमीर पैसे लेकर, पैसे से पैसे बनाकर, सारे पैसे कलेक्ट करके अपने पास बैठ गया है। एक निश्चित वर्ग के पास बहुत सारा पैसा है और एक बहुत बड़ी आबादी के पास पैसे ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे देश में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें सही करना है। तो उन बुराइयों पर उन्होंने 3 पॉइंट्स स्पॉट आउट किए। सोशल प्रॉब्लम्स आई, तरह तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है, किसकी वजह से, तो बताएंगे सर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादियों के डेवलपमेंट होने के कारण। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसलिए इसको फॉलोअर्स को मार्क्सियन कहा जाता है। याद रखेंगे रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स 3 पॉइंट्स स्पॉट आउट करता है, पहला पॉवर्टी, हमारे देश में पॉवर्टी है, डिप्रिवेशन है, चीजों की कमी है, एंड सोशल इनइक्वालिटी, असमानताएं, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई काला, कोई ऊंचा, कोई नीचा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, किसी चीज की स्कैंटीनेस है, इसको क्या हम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेस्टिट्यूशन, और पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी का कारण है, और यही है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। ये निगेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करते हैं और वेलफेयर वाले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिर आता है हमारा बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स, ना तो ये निगेटिव है ना तो पॉजिटिव, सीधा बिहेवियर, बिहेवियर अच्छे लोग हैं तो अच्छा बिहेव करो, बुरे लोग हैं तो बुरा बिहेव करो, ठीक है। इसके भी 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, पहला एथनिसिटी, नैतिकता होनी चाहिए अगर आप समाज में हैं, जिसको हम मोरालिटी, हॉस्पिटैलिटी, शिष्टाचार बोलते हैं, मोरल साइंस, दूसरा रेस और तीसरा रिलीजन। बिहेवियर सबका समाज में अलग अलग होता है, अगर हम क्रिश्चियनिटी में हैं तो अलग होगा, हमारी रेस अलग है तुम्हारा अलग होगा, और अगर हमारा मोरल कल्चर अलग है तो हम अलग तरह से बिहेव करेंगे, और इसी से हमारा अलग अलग तरह का समाज बनता जाता है। तो इसी तरह से 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, उसके तीन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मेरी बात सभी को समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नाम से ही लग रहा कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो हंटर गैदरर था, और प्रकृति, नेचर से वह डरता था, प्रकृति हावी थी, नेचर ज्यादा डोमिनेट करती थी। जब नेचर ज्यादा डोमिनेट करती थी पुरुष को, पुरुष हर एक चीज प्राकृतिक तौर पर करता था, कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, और मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं, उनकी एक्टिविटी से डरता था, उनकी पूजा करता था, उनको अपनी देवी, कुल देवी मानता था, वन देवी मानता था, वन को, उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इसमें ह्यूमन ज्यादा डोमिनेटेड फील नहीं करते, प्रकृति से दबे रहते थे। लेकिन एक समय आया, समय के साथ साथ ये चेंजेस हुए, और चेंजेस के बाद हमने देखा कि मनुष्य जो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की तरफ मूव कर गया, टेक्नोलॉजी विकसित हुई, मनुष्य का आईक्यू डेवलप हुआ, उसने प्रकृति को अपने वश में करना सीखा टेक्नोलॉजी के दम पर। अब हम चांद पर भी चले गए, हम पृथ्वी
की ज्वालामुखियों के ऊपर भी कंट्रोल करने लगे हैं, भूकंप को भी रोक सकते हैं, सुनामी पर डैम बना सकते हैं, और इन सब तरह की एक्टिविटीज करके हमने प्रकृति को बदल दिया। डेजर्ट्स में भी हम बर्फ गिरा सकते हैं और बर्फ में भी हम आग लगा सकते हैं। ऐसी चीजें हमने सीखी, ऐसी एक्टिविटीज करी जो डोमिनेट कर गया नेचर पर, अब प्रकृति हमसे डरती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जब प्रकृति हम पर हावी थी तो नेचुरलाइजेशन, जब मनुष्य प्रकृति पर हावी हुआ तो ह्यूमनाइजेशन, और यही दो चीजें इसमें मेंशन करी गई हैं बहुत ही अच्छे से, क्लियरली सिस्टमैटिक। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो इसी को हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। मेरी बात समझ गए? याद रखना। आइए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को मैंने बहुत ही सरल इजी टर्म में समझाया। चलिए ऐसे समझिए, हमारे यहाँ पर अभी गर्मी पड़ रही भारत में, लेकिन सब लोग अपने घर में पंखा एसी कूलर लगाकर बैठे हैं। नेचर कह रही है कि गर्मी है, लेकिन हम नेचर से लड़कर उस जगह पर ठंडी पैदा कर दी है, इवन चादर ओढ़ कर बैठे हैं, हम हावी हुए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, मेरी बात समझे? ऐसे ही हम प्रकृति में ग्रेविटेशन के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हमने रॉकेट बना दिया, प्लेन बना दिया, ऐसी चीजें बना दी, ऐसी कुछ चीजें बना दी जो एंटी ग्रेविटेशन जा रही है, और हम काम करके वापस भी आ जाए, उड़ रहे हैं हवा में, जैसा कि नेचर ऐसा नहीं कहती कि आप उड़ सकते हैं, लेकिन हम उड़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम नेचर के ऊपर हावी हो गए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। लेकिन आदिवासी काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, उन्हीं पर शिकार करके उन्हीं के अंदर दबकर रहता था, गुफाओं में रहता था, बिजली कड़कने पर डरता था, आग से डरता था, बारिश जब होती थी तो उनसे डरता था, तो इन सारी चीजों में वो उनसे दबकर रहता था, कुछ भी नई चीजें बदल जैसा हो रहा है उसके हिसाब से डलता था, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर पाता था, उसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। तो यही कहानी हो गई। आइए, तीसरा पार्ट हमारा जो है अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अप्रोचेज में तीन अप्रोचेज आते हैं, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जैसा कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को ही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इसको समझिएगा, प्रकृति जब मनुष्य पर हावी हो जाए और मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ करे, कुछ भी उसे बदल ना पाए, उससे ही दबकर रहे, उसी के अनुसार काम करे, झक मार कर उसे अपना भगवान मानकर उसी के जो है अंडर में रहे, उसी के सारे जो है वो दी हुई चीजों के अनुसार काम करे, कोई भी चेंजेस उसमें ना करे, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब पर्यावरण का क्या हुआ, दबाव पड़ गया, डिटरमाइन कर दिया और उसने डोमिनेट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। क्या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म है? तो बोलेंगे हाँ वही। दूसरा अप्रोच आता है हमारा पॉसिबलिज्म। समय के साथ पॉसिबिलिटी बढ़ी, हम प्राकृतिक घटनाओं को समझे, पढ़े, जाने, नियम बनाए, उनसे लड़े, उनको बदल दिया, हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के रूल लगाए, हमने यूनिवर्सल लॉज पढ़े, हमने देखा कि नहीं, जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती हैं उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। एग्रीकल्चरिंग से लेकर बर्थ से लेकर रोबोटिक्स से लेकर साइक्लोन क्लोनिंग से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी तक, हम लोग चांद तक चले गए, हम मिसाइल्स बना रहे, न्यूक्लियर पावर बॉम्ब बना रहे, एंटी ग्रेविटी चीजें बना रहे, नकली सूरज बना दिया चाइना ने, इतनी सारी चीजें हमने बनाई किस तरह से, पॉसिबलिज्म के दम पर। अब क्या हम कहें कि पॉसिबलिज्म ही ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, जिसमें नेचर पर ह्यूमन भारी पड़ गया, जो है वो डोमिनेट कर गया? तो बोलेंगे हाँ, उसी को हम पॉसिबलिज्म कहते हैं। अब आया दोनों के बीच, क्या दोनों में से कोई भी अच्छा है? प्रकृति हमारी, एक मां बच्चे पर हावी हो जाए या एक बच्चा मां पर हावी हो जाए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या फिर पॉसिबलिज्म, दोनों में से कोई भी अच्छी चीज है? तो बोलेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, तो दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। तो इसीलिए ग्रिफिथ टेलर आए, उन्होंने कहा कि देखो, ये प्रकृति और मनुष्य के बीच में टकराव की बात ही नहीं है, हम प्रकृति के अंडर में रहे हैं, प्रकृति हमसे पहले आई है, ये हमारी माँ है, और प्रकृति का भी ये फर्ज बनता है कि ये बच्चा है, नहीं जानता है, इसको प्रोटेक्ट करे। तो इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, दोनों को फायदा हो, उसी रिलेशनशिप का नाम दिया गया पॉसिबलिज्म। तो बोलेंगे नहीं, इसमें मनुष्य हावी हो जाता था,
इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म नहीं, इसमें प्रकृति हावी हो जाती है, इन दोनों के बीच का रास्ता है नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। इसी नियो डिटर्मिनिज्म को ही मतलब पॉसिबल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के कॉम्बिनेशन को, मिडिल पाथ को, गोल्डन मीन मध्यम मार्ग को ही नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इसमें कहा गया कि अगर प्रकृति नाराज हो तो रुक जाओ, मम्मी गुस्सा है तो मत बोलो उस समय, और उसके बाद जब लगे कि नहीं अब मम्मी शांत हो गई तब जाओ उनसे बात करो और फिर अपना काम करो। तो प्रकृति अगर कभी नाराज हो तो रुक जाओ, उसके खिलाफ जाकर उसके अपनी फिजिक्स का केमिस्ट्री बायोलॉजी मत लगाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, कोरोना आया है बाहर मत जाओ, जरूरी नहीं कि आप कोई ऐसी गैस बना दे या करें तभी बाहर जाएं, मत जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, और जब वो खत्म हो जाएगा तब बाहर जाना, तभी मनुष्य जाति सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। या फिर अगर तुम उसे बदलने की कोशिश करोगे तो मनुष्य के प्रकोप से प्रकृति नहीं बचेगी, और ये प्रकृति खत्म तो मनुष्य खत्म, एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाओ। तो इसी चीज को फोकस किया जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, इसी को रेड लाइट, एम्बर लाइट और ग्रीन लाइट डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। रेड लाइट जली है, रोड भले ही खाली है, मत निकलो तुम्हारा चालान कट जाएगा। रेड लाइट बुझ जाए, येलो जल जाए तो तैयार हो जाओ, ग्रीन जले तब जाओ। प्रकृति भी वही कहती है कि अभी हम नाराज हैं, अभी भूकंप ज्वालामुखी आ रहा है, रुक जाओ घर में बैठो, नहीं आएगा तब निकल के जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वही है नियो डिटर्मिनिज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मेरी बात समझ गए? और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता। इज दैट क्लियर? मेरी बात सभी को समझ आई? इसी में कुछ और अप्रोचेस हैं, इन अप्रोचेस को भी एक बार अगर आप देख लें तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्ली कॉलोनियल पीरियड सबसे शुरू में जब ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हो रहा था तो उसका समय के कॉरिडोर से होते हुए कुछ बातें बताया। अर्ली कॉलोनियल पीरियड के समय में हम लोग एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, नई नई चीजें ढूंढ रहे थे, जगह जगह जा रहे थे। उसी समय रेनासा आया था, पुनर्जागरण इटली में, और कुछ दुनिया का अटैक हुआ था, लोगों के अंदर नई नई चीजें ढूंढने और उसको एक्सप्लोर करने की, वो नेविगेशन के लिए ढूंढ रहे थे, देश ढूंढ रहे थे, किताबें ढूंढ रहे थे, सामान ढूंढ रहे थे, मसाले ढूंढ रहे थे, हर चीजें ढूंढ रहे थे। तो इसीलिए अर्ली कॉलोनियल पीरियड को एक्सप्लोरेशन का टाइम कहा जाता है। इस समय में डिस्कवरी हो रही थी नई नई चीजों की, एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग, इनसाइक्लोपीडियाटिक डिस्क्रिप्शन चल रहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी का अकाउंट। लेकिन लेटर कॉलोनियल पीरियड आया, कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है जब अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने उपनिवेश बना रखे थे सारे देशों को अपने। लेटर कॉलोनियल पीरियड में हम लोग रीजनल एनालिसिस कर रहे थे कि जितना हम लोगों ने इतना ढूंढ लिया, अब जिस एरिया को ढूंढा है उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी, उसके बारे में इलेबोरेट कर रहे थे कि आखिर क्या है इसकी क्वालिटी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्नाटक ढूंढा हमने, तो कोलार की खान और उसके अंदर की डिटेल चीजें ढूंढ रहे थे, तो उसको रीजनल एनालिसिस कहा गया। लेकिन 1930 में, चूंकि इंटर वार पीरियड चल रहा था, उस समय हम लोगों ने देखा एरियल डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, कि भैया मान लो हमने पूरा विश्व छान लिया, अब विश्व छानने के बाद कुछ एरिया ढूंढा और उस एरिया के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी, हमने पूरा एशिया ढूंढा, एशिया में हमने भारत ढूंढा, एशिया ढूंढा उसके बारे में एक्सप्लोर किया, तो अर्ली कॉलोनियल। अब एशिया के अंदर जो भारत था वो रीजनल एनालिसिस, अब भारत के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं, उसकी संस्कृति, उसके मसाले और उसके सोने की खान, तो एरिया डिफरेंशिएट हुआ और डीप में गए। तो ये तीन लेयर तक 1930 तक हम लोगों ने इतने बड़े से छोटा किया, छोटे से और डीप में गए और स्पेसिफिक किया, यूनिकनेस पर ध्यान दिया, ठीक है, मेरी बात समझे। फिर लेट 50 to 60 के समय में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर की चीजों को सीखा, सोफेस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल डाटाज पर फोकस किया, नेशनल फिजिक्स के लॉज पर, ये सब चीजों पर फोकस किया, और ये देखा कि भैया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जरूरी है, हर एक चीज हमारे पास बहुत मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन समय बीता, हमें लगा कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। इसी समय में तीन तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए थे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो बताएंगे। 1970 में स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए, कौन कौन से, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स और रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, और कौन सा था, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। और इसी समय में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को छोड़ा और हम लोगों ने क्वालिटेटिव रिवॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया कि क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और 90s में सब लोग जानते हो कि पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी होती है, इसी समय में हम लोगों ने क्या सीखा,
बड़े लेवल पर ह्यूमन कंडीशन की डेवलपमेंट पर क्वेश्चन किया कि यार हम लोग इस तरह से नहीं डेवलप होना चाहते। और इसी के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बूम किया और मनुष्य इंटरनेशनल लेवल पर खुद को बूम कर दिया। उसी को हम बोलते हैं 1990 का थॉट्स। और इस तरह से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का वन शॉट कंप्लीट होता है। और याद रखिएगा, ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मेरे ये चेक लेक्चर पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी में केवल कुछ फैक्ट्स ही बचे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस करते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने इस चीज को समझाया, धैर्य रखिए, आगे के लिए तैयारी। अगला चैप्टर का भी वन शॉट आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।